हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल नन्हे किड्स में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आप छोटे बच्चों को अपने घर पर ही आ की मात्रा सिखा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ आ की मात्रा लिखी है। पहले हम बच्चों को आ की मात्रा की पहचान करवाएंगे कि आ की मात्रा होती क्या है। यहाँ मैंने क लिखा है, तो क के साथ जैसे ही हम ये लाइन बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे जो स्टैंडिंग लाइन है इसे का पढ़ते हैं, इसे आ की मात्रा होती है। हमें यहाँ बच्चों को बताना है, जैसे यहाँ मैंने ज लिखा है तो बच्चों को बोलना है इसे जो हमारा माउथ होता है उसे हमें थोड़ा सा खोलना, ज त ल ये जैसे हम आत्मात्रा लगाते हैं तो हमें अपना माउथ बड़ा करना है, जा ता ला रा, इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं। उन्हें आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपका फेस माउथ बड़ा हो जाता है, तो आपको बड़ा करके बोलना है। जहां भी आप इस तरीके की लाइन देखे तो आपको थोड़ा जोर से बोलना है, ता का जा। हम सेकंड उस पे आते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं क न, ये बीच में जो मैंने फ्लफ छोड़े हुए हैं बच्चों को यहाँ मात्रा लगानी है। अब जैसे क आ की मात्रा न, र आ की मात्रा म। अब बच्चों को पढ़ने के लिए कहें कि इसे जोड़ कर कैसे पढ़ेंगे। क आ न कान, र आ म राम। बच्चों को बोला है जहां डंडा लगा हुआ है उस अक्षर को जोर से बोलो ता, और जहां मात्रा नहीं लगी उसे आराम से बोलना र ता र। इसी तरीके से क आ की मात्रा म का म काम। अब बच्चों को इस तरह से वन बाय वन इस मात्रा को करवा सकते हैं। यहां मैंने दो मात्रा वाली शब्द लिखे हैं, जैसे त आ की मात्रा ता, ल आ की मात्रा ला, ता ला। बच्चों को अब दो शब्द पढ़ने के लिए कहे, न आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ना ला ना ला, क म ल। अब बच्चा इसे नॉर्मली पढ़ सकता है, उसे थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ने आते हैं, वो इसे क म ल कमल पढ़ेगा। जैसे ही आप मात्रा लगा देंगे तो फिर उसे दोबारा से पढ़ने के लिए कहें, क म मात्रा लगी हुई तो उसे बड़ा करके, मुंह को बड़ा करना है हमेशा, ला क म ला कमला। इस तरीके से क म र, जैसे ही आप यहाँ मात्रा लगा देंगे पीछे वाले वर्ड को थोड़ा तेज बोलना है, मुंह खोल कर बोलना है, क म रा कमरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चित्र देखकर अक्षर लिखे। या बच्चों को बताएंगे माला है तो माला लिखेंगे, मा मा ला माला, जा राजा। ये तारे की पिक्चर है, ता रा तारा, का ला काला, ता ला ताला। इस तरह से आप धीरे धीरे करके बच्चों को जोड़ जोड़ कर शब्दों को पढ़ना सिखा सकते हैं। उन्हें बार बार इस तरह की सी प्रैक्टिस करवाइए, उन्हें ऐसे ही पिक्चर बना कर दीजिए। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा सा इसकी तरफ हो और वो पढ़ने बैठे। हम बच्चा तो थोड़ी सी देर में ही, अगर उसे समझाओगे तो थोड़ी सी देर में समझ लेगा। मेन बात है उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, उसे पढ़ने के लिए बैठाना। बस अगर बच्चा एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाए अपने मन से तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, अगर आप सिखाना चाहें। ये मैंने बच्चों के लिए ही बुक बनाई है। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें मा ला माला, का ला काला। बच्चा इसमें पढ़ते टाइम बहुत इंटरेस्ट दिखाता है बा ला, ये बाला वर्ड आजकल बहुत फेमस है तो बच्चा बहुत इजीली पढ़ेगा और उसे अच्छा लगेगा, बा ला। छोटी छोटी चीजों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये क्या है, एक नया सा कुछ है, तो वो इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से पढ़ेगा। ना ला, आप कोशिश करें कि बच्चों को मात्रा म आ की मात्रा, ल आ की मात्रा ऐसे करके ना पढ़ा, बस स्टार्टिंग में जब वो पढ़ता है तब उसे बताया जाए, उसे डायरेक्ट ऐसे पढ़ाया जाए जहां भी मात्रा लगी है वहां पूरा मुंह खोल के पढ़ना है, मा जहां मात्रा है ला मा ला, इस तरीके से पढ़ना सिखाएं। यहां मैंने एक बुक बनाई है चित्र देखकर अक्षर लिखिए। जैसे पहले हम बोलेंगे बच्चों को आ
इसी तरीके से बा, बा हमने थोड़ा तेज बोला है तो इसलिए मात्रा लगेगी। जा, जा में भी मात्रा लगानी है क्योंकि हमने उसको थोड़ा मुंह खोल कर बोला है जोर से। ये मैंने हाथ की पिक्चर बनाई तो बच्चों को बनाना है, बताना है या हा, हा, थ, थ हमने आराम से बोला है तो यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगी। इस तरह से बच्चे अपना पिक्चर भी बना सकते हैं इस पर, और यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। आप कुछ भी पिक्चर बना के उसे लिखने के लिए दे सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ है आ की मात्रा के शब्द, या मैंने आ की मात्रा के शब्द दिए हैं। जैसे ना, ना को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं बच्चों को। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, बच्चों को ना से रिलेटेड शब्द बनाने हैं। जैसे ना, म, नाम, ना, क, नाक, ना, च, नाच। इस तरीके से आप बच्चों को और भी शब्द बनाने के लिए कहें। आ, ठ, आठ, आ, ग, आग, आ, म, आम। ये बच्चों के लिए बुक्स बना सकते हैं आप इस तरीके से। उन्हें इस तरह से वर्ड्स लिखने के लिए दे ताकि वो बार बार शब्दों को लिखे। आप उन्हें डिक्टेशन भी बोल सकते हैं इस तरीके से, पेज में ऐसे कटिंग लगाकर दे तो वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। उन्हें इस तरीके से लिखना बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे।